पोएट्री द फाउंटेन, फाउंटेन माने मीन्स होता है जलप्रपात, जिसको हम शाब्दिक अर्थों में झरना नाम से भी जानते हैं। और इसके सबसे पहले कवि कविता का अध्ययन करने से पहले हम उसके जो है उस पर एक दृष्टिकोण डालते हैं कि कविता में जो है कवि जो है फाउंटेन का जो नाम लिया है उसके बारे में क्या बताना चाहता है। तो द पोएम एट द लेंस कविता के बारे में जो दृष्टिकोण कविता है वह द पोएट इज द थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। कवि कहता है इज द थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन, कवि जो है जलप्रपात के दृश्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब वे इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय नाइट एंड डे, जब यह रात और दिन के द्वारा खूबसूरत दिखाई देता है। ही वॉचेस दैट, वह देखता है दैट की द फाउंटेन जलप्रपात इज ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल इन टू एयर, कि वह जो है आकाश में और यू माने तो हवा में जो है कितना जो है पहुंचने का सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने का संभावित प्रयास करता है। इट नेवर फील्स, या कभी जो है महसूस फील्स टायर्ड, या कभी जो है थका हुआ महसूस नहीं करता है। एंड और इज ऑलवेज इन मोशन, और हमेशा जो है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट माने प्रातः काल से रात काल तक यह सर्वदा गतिमान रहता है। बस इस प्रकार द फाउंटेन जलप्रपात हमें शिक्षा देता है कि एक वैल्यूएबल नेशन, एक जो है सर्वपूर्ण पार्ट जो है हमें निरंतर गतिविध करने का जो है संदेश देता है। झरना जो है यह बताने का कभी प्रयास करता है कि हमेशा जिस प्रकार से जलप्रपात जो है चाहे किस कोई भी मौसम हो चाहे कोई भी स्थिति हो अपने आप को उसमें ढालने का प्रयास करता है, उसी तरह से मनुष्य को भी हर परिस्थितियों को जो है मानते हुए उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो है सबसे पहले कवि ने जो है जो पहला पैराग्राफ है वह इंटू द सनशाइन, इंटू द सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, यह जलप्रपात जो है सूर्य के प्रकाश में फुल अपलाइट, इसमें पूरा प्रकाश भरा रहता है। फुल अपलाइट मतलब फुल माने भरा हुआ, लाइट माने प्रकाश, अर्थात इसमें पूरा प्रकाश भरा हुआ रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यह सुबह से शाम तक या रात तक यह उछलता और कूदता है। यह पहला पैराग्राफ है, इसमें कवि हमको यह बताना चाहता है कि सूर्य के प्रकाश में जब उसकी चमक पड़ती है तो झरने का जो जल है वह चमकता हुआ दिखाई देता है, और यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उछल रहा है और क्या कर रहा है, चमक रहा है। हम यही का जो है पहला ये कविता का पहला जो है यह पैराग्राफ समाप्त करते हैं और इसका अध्ययन बच्चे घर पर करें।